सीधा चलते हैं आगरा, जहां पर न्यूज इंडिया व्यापक के मुख्य सचेतक हैं। 14 से 2016 के बीच में आवास समिति लोकसभा के चेयरमैन 2014 से 2016 तक, वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री 2016 से 2017 तक, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री 2017 से 2019 तक, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री 2019 से 2021, और वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री के उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हैं और ब्रज क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं और पूरी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी हैं। आपका महाशय जी बहुत बहुत अभिनंदन यहाँ पधारने का। स्पेशल रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतने व्यस्तम समय से आपने समय निकाला, इतना कोहरा होने के बावजूद आप दिल्ली से आकर यहाँ आए, हम आपका बहुत एहसानमंद हैं और शुभकामनाएं करते हैं कि आप हमारा ये सब कोई आपका मिलना प्रजा से और न्यूज इंडिया का प्रजा के पास जाना एक बहुत अच्छा राजनीतिक विश्लेषण करेगा और आने वाले समय में हम एक अच्छा अपने नेता को पाएंगे और हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है कि हम बहुत ही जल्दी अपने सारे नेताओं को जोड़ करके आप सब लोगों को एक ऐसा मंच देंगे जहां किसको आप डिस्कस कर सकें और अपनी राय दे सकें और उनकी राय सुन सकें। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे ओमेगा टीवी प्राइवेट लिमिटेड न्यूज इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर को। जी हाँ डॉक्टर साहब, आपने जो कहा कि ये अजीब इत्तफाक और संयोग है, आज पूरे 2 महीने हुए जब ये लॉन्च हुआ था, तो ये ब्रेकिंग खबर भी हमारे दर्शकों के लिए जिन्होंने असीम मोहब्बत दी है इन 2 महीनों में। मेघवाल साहब, आप खुद उस उद्घाटन समारोह में थे जब ये चैनल राष्ट्रीय चैनल का स्वरूप ले रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों के असीम लार दुलार और प्यार के चलते आज न्यूज़ इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है और इसकी ओर अग्रसर है। जनता के बीच संवाद लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर, जनता के सरोकार को लेकर अपनी बात रखना करना और उचित समय पर नेताओं को, आप जैसे महानुभावों को यहाँ लाकर जनता से रूबरू कराना ही न्यूज़ इंडिया का इस चुनावी माहौल में, जो कि इंडिया का वोट युद्ध, यूपी का वोट युद्ध हमारा लक्ष्य है। आज के इस कार्यक्रम में आप लोग आए, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड डॉक्टर तोमर, विद द ऑगस्ट परमिशन, हम आगे अपने सियासी मंच की ओर, आगरा की इस नगरी से आखिर किसके सिर होगा ताज, ये तय होगा और आज इसकी शुरुआत और श्री गणेश आगरा की नगरी से इस सियासी मंच, मंच सियासी नहीं है, न्यूज़ इंडिया का ये सियासी मंच जिस पर हम देखेंगे और सुनेंगे कि आखिर नेता अलग अलग दलों के क्या कहते हैं। थोड़ा सा इंतजार। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे बीच वो क्षत्रप, वो योद्धा है, ये एक अजीब इत्तफाक है कि इनके नाम में राम जैसी मर्यादा भी है और अर्जुन जैसे योद्धा होने का एक दमखम भी। जी हाँ, ब्रिज का क्षेत्र है, आपको प्रभारी बनाया गया इस क्षेत्र का, प्रदेश में 7 क्षेत्र हैं और ब्रिज का वो क्षेत्र जहां से रण की रणनीति तय करने का जिम्मा आपके कंधों पर है, ब्रिज वो धरती है, ब्रिज वो धरती है जहां पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जिन्होंने अर्जुन को बताया था रण युद्ध में है, चल उठा उठा तुणीर और बाण और युद्ध कर। रण युद्ध है, यूपी के वोट युद्ध में आपका स्वागत है। मेघवाल साहब, सबसे पहला सवाल, कमर कस के तैयार न्यूज इंडिया के इस ताज की नगरी से सियासत पर होगी बात, मेघवाल साहब। धन्यवाद मनीष जी। मैं डॉक्टर तोमर साहब को भी बधाई देता हूं और आपको भी बधाई और शुभकामनाएं दोनों देता हूं कि आपने यूपी का वोट युद्ध, इसको कभी हमारे जो कभी जनसंघ के संस्थापक और बाद में भारतीय जनता पार्टी के भी विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसको ऐसे कहा था, जो आपने नाम दिया है यूपी का वोट युद्ध, उन्होंने ऐसे कहा था कि लोकतंत्र में जनमत को तैयार करना चाहिए और राजनीतिक दलों को जनता के पास जाकर के जनमत क्या चाहता है उसके अनुरूप अपना घोषणा पत्र बनाना चाहिए। तो ये मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपने हमारा काम भी आप कर रहे हैं, यहाँ जनता बैठी है
इनसे जो सुझाव आएंगे वो हमारे घोषणा पत्र में भी काम आएंगे, और आपके जो प्रश्न होंगे उनका जो हम जवाब देंगे वो जनमत को तैयार करने में भी हमारी मदद करेगा। तो ये दोनों बातें मनीष जी आपने ली है, मैं आपका शुभकामना देता हूँ कि आपने सब्जेक्ट भी अच्छा चुना है। मैंने तो जब उद्घाटन हुआ था चैनल का तब भी कहा था न्यूज इंडिया राष्ट्र की आवाज, और मैंने ये बात जब कही थी तब भी कहा था राष्ट्र की आवाज न्यूज इंडिया, और अनुराग ठाकुर जी भी वर्चुअली जुड़े थे उद्घाटन के समय दिल्ली से, तो उन्होंने भी कहा था कि जो न्यूज इंडिया राष्ट्र की आवाज है ये अपने आप में संदेश दे रहा है, ये अपने आप में संदेश दे रहा है कि हमें राष्ट्र क्या बोल रहा है उसके अनुरूप आचरण करना चाहिए। जी, राष्ट्र क्या बोल रहा है उसके अनुरूप आचरण करना चाहिए। मेघवाल साहब, आपने एक बात कहते कहते संकेत और संदेश में ये कह दी कि आखिर इस पूरे साक्षात्कार में आपका जो लक्ष्य है विजय। अर्जुना इज नोन बाय हिज एम नॉट बाय हिज एरो, और आप खुद एक कुशल प्रशासक रहे हैं, और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ संगठन का कौशल भी आप में भली भांति दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप इतने कोहरे के बीच दिल्ली से निकलकर ब्रिज की भूमि आप पहुंचे, न्यूज़ इंडिया के इस मंच पर आकर अपनी बात रखने के लिए आप तैयार हुए, आपके बहुत बहुत बधाई। सबसे पहला सवाल, सात क्षेत्र ब्रिज, गोरखपुर, काशी, कानपुर, अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कितनी बड़ी चुनौती अर्जुन मेघवाल के सामने ब्रज में बीजेपी का परचम लहराना? देखिए, ब्रज प्रथम चरण में चुनाव है, हमारा पश्चिम का क्षेत्र और ब्रज के क्षेत्र में प्रथम चरण के चुनाव है। प्रथम चरण का इसका मतलब आगाज यहां से हो रहा है, यूं मानिए ये भगवान श्री कृष्ण की धरती है, ब्रज पवित्रतम ये स्थल हम कह सकते हैं भारत का, जिसने कभी आध्यात्मिक क्षेत्र में ये केंद्र रहा, जहाँ आगरा हम बैठे हैं ये हमारे ब्रज क्षेत्र का एक केंद्र है, हमारा जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो आगरा में ही है, हम आगरा से ही पूरे ब्रज क्षेत्र को देखते हैं, हमारे जो क्षेत्र के अध्यक्ष हैं रजनीकांत महेश्वरी वो भी आगरा में ही बैठते हैं, बाकी लोग भी आगरा में बैठते हैं, हम भी आगरा आकर के ही संगठन की रणनीति बनाते हैं, और आज यूपी का वोट इसकी रणनीति भी हम आगरा से बना रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। जी जी, आपको शुभकामनाएं, आपने आगरा का जिक्र किया, मुझे ऐसा लगता है कि रणनीति न केवल चुनाव की, ये लोकतंत्र का उत्सव है, लोकतंत्र का पर्व है। मुझे याद आता है अटल जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो भारत पाकिस्तान के बीच के रिश्तों को लेकर भी आगरा में ही वो मोहब्बत की अलग जगाने का काम हुआ था। मेघवाल साहब, बिल्कुल आपने ठीक याद दिलाया, लेकिन जो आपने याद दिलाया उसमें एक चीज और जोड़ता हूँ, मताधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पुरुष और महिलाओं को, तो उस समय संविधान सभा में जो बहस हुई थी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो उस समय कहा था कि नहीं सबको एक साथ अधिकार दो, गरीब को, अमीर को, महिला को, पुरुष को, सबको मताधिकार दीजिए एक साथ, तो लोगों ने कहा कि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको भी, तो उन्होंने कहा उनको भी दीजिए, बोला क्यों, इसलिए मैं कहता हूं कि मताधिकार मिलने के बाद भारत के लोग जब मत देने जाएंगे तो दे विल सेलिब्रेट एज ए फेस्टिवल, ये बाबा साहब का शब्द है संविधान सभा में, दे विल सेलिब्रेट दिस इलेक्शन डे एज ए फेस्टिवल, और आपने भी अभी प्रयोग किया कि ये उत्सव है चुनाव का, ये उत्सव शब्द उस समय संविधान सभा में भी गूंजा था, और मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कि उस उत्सव में सबसे ज्यादा मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए, और जो अच्छा शासन दे सके, जो अच्छा विकास का काम कर सके, जो उत्तर प्रदेश का भविष्य ठीक कर सके, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सके, उसको वोट देना चाहिए, और भाजपा उसमें नंबर एक पर खड़ी है, इसलिए भाजपा के पक्ष में हम बात करते हैं। जी हाँ, भाजपा के पक्ष में बात करते हैं, आपने उत्सव की बात की, लेकिन मेघवाल साहब एक दानव दिखाई दे रहा है,
इस उत्सव को भंग करने के लिए, रंग में भंग करने के लिए, वो दानों कोई और नहीं बल्कि कोरोना दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती कोरोना काल में चुनाव आयोग के सामने भी इस उत्सव को पूरा करने में चुनाव आयोग ने कमर कसी है, लेकिन आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती कि वर्चुअली अब आपको अपने मतदाता तक पहुंचना होगा, क्या तैयारी आपकी? मैं मनीष जी, एक चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त की एक बात को जो उन्होंने प्रेस की थी, उस समय उन्होंने कहा था कि कोरोना का कालखंड है माना, लेकिन उन्होंने एक बात शेर के माध्यम से की थी, आप भी शेर व शायरी को पसंद करते हो। उन्होंने कहा, वैसे तो आंधियों में दीपक जलाए जा सकते नहीं है, लेकिन आंधियों में भी कुछ दीपक जलाए जा सकते हैं, किसी का आवरण लेकर के, किसी का सहारा लेकर के। तो कोरोना कालखंड है, लेकिन इस पीरियड में भी चुनाव कराए जा सकते हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने ये घोषणाएं की है और जनता भी तैयार बैठी है। दल भी जो चुनाव आयोग ने बंदिशें लगाई है उसको मानेगी, और डिजिटल मोड पे अब ये ज़्यादा चुनाव होगा। ग्राउंड में हम जाएंगे, छोटी छोटी बैठ के करेंगे, कोई सभा भवन होगा उसकी परमिशन लेके वहाँ बैठ के करेंगे, मॉलों में जाएंगे, वन टू वन संपर्क करेंगे, घर घर संपर्क करेंगे, प्रत्येक वोट से संपर्क करेंगे। भारतीय जनता पार्टी डिजिटल मोड से भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डिजिटल मोड के जरिए भी तैयार है। और जहां तक बात की जाती है, एक हम लोग विश्लेषण कर रहे थे मेघवाल साहब, तो उसमें ये देखा गया कि आपके मुकाबले बाकी दूसरे जो पलड़े हैं वो झुके हुए दिखाई देते हैं, सारा जो वर्चुअल वजन है वो आप ही की तरफ खिंचा हुआ दिखाई देता है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। जो जो टेक्नोलॉजी आती है उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, और यही कारण है कि DBT जैसी योजना प्रधानमंत्री जी लाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। पहले लोग पेंशन का पैसा भी खा जाते थे, जो लाभार्थी है उसके खाते में सीधा पैसा जाता नहीं था। ऐसे भी दल यहाँ रहे हैं सत्ता में, भारत में, जो कहते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं, क्षेत्र में जाते जाते वो 15 पैसे हो जाते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से 100 रुपये जो दिल्ली से चलता है वो सीधा लाभार्थी के खाते में 100 रुपये ही पहुंचता है, ऐसा शासन मोदी जी ने दिया है, योगी जी ने उसको धरातल पे उत्तर प्रदेश में भी उतारा है। जी, उत्तर प्रदेश में ये उतरा है, लेकिन मुझे याद आता है राजीव गांधी ने भी इस बात को स्वीकारा था मेघवाल साहब, कि आखिर पैसे तो निकलते हैं लेकिन पहुंचते नहीं, मोदी जी ने इसको साकार किया। आगे बढ़ते हैं, हमारा जहाज अब टेक ऑफ हो चुका है मेघवाल साहब, कोहरे से थोड़ी दिक्कत हुई, सॉफ्ट सवालों के साथ हम आगे बढ़े, अब हम एयरबोर्न हो चुके हैं। मेघवाल साहब, मेरा सीधा सवाल, बागियों को लेकर आप क्या कहेंगे? लगातार लोग कालीन बिछाए बैठे हैं और लोग चलते चले जा रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मंत्री हो गए, साथ साथ विधायक हो रहे हैं, और जानकारी ये आ रही है, मेरी हमारे सरफराज सैफी से भी बात हो रही थी, तमाम लोगों से बात होती है, वो ये कह रहे थे कि अभी तो कई और नाम बाकी हैं, तो आखिर बागियों को कैसे रोकेंगे मेघवाल साहब? देखिए, अवसरवादी लोग हैं, मैं आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी गए हैं ना, मुझे लगता है एक ही जगह उन्होंने टाइप कराया, फॉन्ट्स देखना उनका, और एक ही तरह के आरोप हैं। आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने त्याग पत्र में आरोप लगाते हैं, पिछड़ों की उपेक्षा। आप मुझे बताइए कि मोदी जी ने जुलाई 2021 में मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 27 पिछड़े सम्मिलित किए, किसी प्रधानमंत्री ने सम्मिलित किए क्या? पिछड़े समाज के उत्थान के लिए एक आयोग OBC कमीशन बना हुआ था, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया। आज PM आवास बन रहे हैं, 42 लाख योगी जी ने उत्तर प्रदेश में PM आवास बनाए हैं, ये अधिकतर पिछड़ों को ही मिले हैं। 3 करोड़ के आसपास शौचालय बनाए हैं, ये पिछड़े और दलित को ही मिले हैं। तो ये जो कहना कि पिछड़ों की उपेक्षा कर रहे हैं योगी जी कर रहे हैं, ये जो हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, दारा सिंह चौहान ने भी कहा, हमारे धर्म सिंह जी सैनी ने भी कहा, मुझे लगता है कि ये आरोप भी निराधार है। वो सरकार में रहे तब तारीफ करते थे,
मैं आपको एक भाषण सुना दूंगा श्यामी प्रसाद मौर्य जी का, जो श्रम को लेकर के एक श्रम मंत्रालय को लेकर के एक पूरा प्रोग्राम था जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, और उनको जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पहले बोलने के लिए कहा तो उन्होंने मोदी जी की क्या तारीफ की है, योगी जी की क्या तारीफ की है। और 7 दिन बाद ही आपको याद आ रहा है कि पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है। इसका मतलब आप विरोधाभासी जीवन में जी रहे हैं, आपका थॉट कंसिस्टेंट नहीं है, और ऐसे अवसरवादी लोगों को यूपी की जनता चुनाव में पूरा बखूबी जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और उनको परास्त करेगी, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, वो तो ये कह रहे हैं जिस दिन उन्होंने साइकिल पर अखिलेश यादव की करियर पर बैठे और साइकिल चली तो उन्होंने मन से कहा, हालांकि उसमें कोरोना नियमों की भी खूब धज्जियां उड़ी, आपने भी देखा होगा। मेरे जीवन में मेघवाल साहब ये पहली बार था कि मंच के पीछे लिखा हुआ है वर्चुअल प्रेस वार्ता, और प्रेस वार्ता में न जाने हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता थे, पत्रकार थे ही नहीं, तो प्रेस वार्ता का स्वरूप भी बदल रहा है। मेरा सवाल आपसे ये, उन्होंने मंच पर कहा 80 बनाम 20 की लड़ाई ये छेड़ी योगी जी ने, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं 85 बनाम 15 और 15 में भी बंटवारा है, 85 तो हमारा है। देखिए, मोदी जी के शासनकाल में एक हमारा मंत्र है जिसको योगी जी भी अपना रहे हैं, मंत्र है सबका साथ सबका विकास। ये जब सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं, हम अगर शौचालय बना रहे हैं तो हम नहीं देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय का अगर गरीब है, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में नाम आ रहा है, तो हम उसको काट नहीं रहे हैं, उसका शौचालय बना रहे हैं। ये अखिलेश जी की सरकार थी जो नाम देख करके फैसला करती थी, हम नाम देख करके फैसला नहीं करते हैं। हम आपके पास भी आएंगे। लेकिन फैसला करते थे, सवाल जवाब के लिए आएंगे, हम फैसला करते थे। FIR में ऐसे विषय भी आए हमारे पास, फैसला वो ऐसा करते थे, लेकिन हमने जो शौचालय दिए वो सबको दिए, हमने उज्ज्वला में गैस दी वो सबको दी, और हमने आपके पास हमने अगर PM आवास में मकान दिए तो सबको दिए, सब वर्गों को ध्यान रख रहे हैं, सब वर्गों का ध्यान रख करके फैसला कर रहे हैं। आपके पास आ रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं सबको, इस वक्त सबका साथ सबका विकास ये हमारा नारा है, ये हमारे काम करने का मूल मंत्र है, विकास और डेवलपमेंट यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। जी, यही आपका मुख्य उद्देश्य है, और जनता कुछ बात कहना चाहती है, हम उनसे बाद में बात कर लेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है मेघवाल साहब, कि जिस तरह से अखिलेश का आपने जिक्र किया, आपने एक वक्तव्य दिया था, एक बयान था आपका जिसमें अखिलेश को कृष्ण नहीं जिन्ना सपने में आते हैं, मुझे वो स्मरण आता है। नहीं, वो जिन्ना शब्द उन्होंने यूज किया, हमने तो किया नहीं ना, और उन्होंने खाली यूज ही नहीं किया जिन्ना, उन्होंने एक बार प्रेस में पूछा, दोबारा भी गलती से हो गया क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने सही शब्द यूज किया है, आप किताबों पढ़ लीजिए। तो हमारी तरफ से ये आया कि भी पाकिस्तान की किताबों को पढ़ना है कि भारत की किताबों को पढ़ना है। आप जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से करते हैं, सरदार पटेल वो महापुरुष हैं जिसने देश को जोड़ा, और जिन्ना वो आदमी है जिसने देश को तोड़ा, तो ये तो जिन्ना के पक्षधर लोग हैं, चुनाव में सब पता लगेगा इनको। पार्टी में कितने दागी, ये जिम्मा तो पार्टी का भी होता है कि अपने प्रत्याशियों की जब सूची तैयार करें, चुनाव आयोग भी कहता है कि आप उनके नाम को जाहिर करें, आप उनकी कुंडली टटोल लें, जान लें। ऐसी सूरत में कल योगी जी का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो जो दंगाई होते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, उनको पकड़ने वाले आते हैं, और दूसरे दल में तो वहाँ पर तो वो या तो जेल पर या बेल पर होते हैं, ये किसकी तरफ इशारा था? नहीं, इशारा साफ था। देखिए, चुनाव आयोग ने भी कोशिश की है, और जनता भी आजकल वोटर बिहेवियर भी बदला है, गुंडाई को जनता पसंद नहीं करती है। आप किसी भी राज्य का चुनाव उठा के देख लीजिए, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी भी रहा हूँ और वोटर बिहेवियर का अध्ययन करता रहता हूँ। एक जमाना था जब कभी कभी जनता इन ऐसे लोगों की ओर भी आकर्षित हो जाती थी, अब ऐसा नहीं है जी। अब जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस देगा उस नेता की ओर ही आकर्षित होगी जनता। इसलिए अगर कोई गुंडाई के लिए टिकट दे रहे हैं, कोई जेल में है उसको भी टिकट दे रहे हैं, कोई जेल से छूटा है
वो धमकाने की भाषा में बोल रहा है तो ऐसे लोगों को तो जनता जवाब देगी, यही लोकतंत्र है। इसी लोकतंत्र में जनता ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जवाब देगी, यही तो अवसर आता है 5 साल बाद जवाब देने का। जी, जनता जवाब देगी। मेघवाल साहब, एक और बात सामने आती है, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि आपकी सूची जो एक के बाद एक अब निकलेगी या जो निकली है उसमें महिलाओं को प्रधानता देने की बात है। कांग्रेस कह रही है हमने 40% टिकट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन वो आपके यहाँ दिखाई नहीं देता। देखिए, एक स्टेटमेंट दिया प्रियंका जी ने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अभी हमारे राजस्थान अलवर में एक मूक बधिर बालिका के साथ ऐसा घिनौना करते हुआ, वहां तो कुछ नहीं बोले ना, तो ये क्या सब्जेक्टिव है क्या? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और जिन्होंने खुद ने सूची जारी की उसमें कितनी महिलाएं, 40% की बात की, वो ही पूरी नहीं कर रहे हैं। हम फिर भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाएंगे, और जो ओबीसी और दलित समाज की बात कर रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व भी हम बढ़ा रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं। जी, लगातार बढ़ा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि समाज में सशक्तिकरण की अगर बात की जाए तो महिला शक्ति के जरिए ही हो सकती है। मेघवाल साहब, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अयोध्या की। जी हाँ, राम नगरी अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की नगरी अयोध्या, जहाँ पर मंदिर निर्माण का कार्य जारी है। आपके उप मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट के जरिए कहा कि अयोध्या काशी निर्माण जारी, अब मथुरा की बारी। ये क्या था मेघवाल साहब? देखिए, ये जो विषय है, आपने दिव्य काशी भव्य काशी देखा, ये एक अच्छा विषय था जिसको प्रधानमंत्री जी ने हैंडल किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हैंडल किया, इसकी भी तारीफ होनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने इसका भी विरोध शुरू किया। काशी हमारा सांस्कृतिक केंद्र था, एक जमाना था अहिल्याबाई होलकर, महाराजा रणजीत सिंह जी ने उसको गंगा से सीधा दर्शन करने के लिए कॉरिडोर बनाया था, उसको तोड़ा तो औरंगजेब ने था ना, तो ये तो तारीफ होनी चाहिए कि वो कोई भी किसी भी आदमी को डिस्टर्ब नहीं किया, जिसके पास जो अतिक्रमी थे सबका सेटलमेंट हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ, सबको समझाइश से भव्य काशी दिव्य काशी बना, इसकी तो तारीफ होनी चाहिए। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार श्री राम मंदिर बन रहा है, तो इसकी तारीफ होनी चाहिए। ऐसी चीज़ों की भी लोग तारीफ नहीं करते हैं, अजीब लगता हमें। जी, तारीफ होनी चाहिए। बात करते हैं अयोध्या की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, उनकी उम्मीदवारी, उनकी नुमाइंदगी को लेकर बड़े चर्चे थे, और चर्चे ये थे मेघवाल साहब, मेरा सवाल आपसे, चर्चे ये थे मेघवाल साहब कि राम नगरी अयोध्या से योगी होंगे उम्मीदवार। अखिलेश यादव कहते हैं घर पहले ही, चुनाव के पहले ही उन्हें घर पहुंचा दिया। तो अखिलेश जी तो चुनाव लड़ते ही नहीं है ना, वो तो विधान परिषद के माध्यम से जाना चाहते हैं। बहन मायावती जी भी नहीं लड़ते थे, अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो ये तो तारीफ करनी चाहिए कि योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तारीफ करनी चाहिए। जी, जहां तक आगे बढ़ते हैं, सवाल इतने हैं, और मुझे ऐसा लगता है 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में बीजेपी की क्या तैयारी? आप केंद्र के वरिष्ठ मंत्रियों में से हैं मेघवाल साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि यूपी से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये यूपी का वोट युद्ध का ये सियासी मंच तो है जिसमें आप अलग अलग दलों के राजनेता आएंगे, अपनी बात करेंगे। शुरुआत आपसे हुई है, श्री गणेश आपसे हुआ है, और कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। मेघवाल साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 5 राज्यों में बीजेपी की क्या तैयारी? देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, इन 5 राज्यों में चुनाव है। मैं आपके माध्यम से, मंच के माध्यम से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन 500 राज्यों में बेहतर करने वाली है, 500 राज्यों में ही बेहतर करेगी भारतीय जनता पार्टी। हमारी रणनीति, हमारे संगठन का काम मजबूत हुआ है, मोदी जी की नीतियां स्पष्ट है, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस में वो बिलीव करते हैं, और जो शासन किया है हमने और शासन दिया है उसमें भी लोगों को लगता है कि धरातल पे जो मोदी जी की नीतियां उतर रही है उसमें गरीब आदमी सबसे ज़्यादा लाभान्वित हो रहा है, इसलिए गरीब आदमी हमारी ओर झुका है, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए मोदी जी की नीतियां निश्चित रूप से चुनाव में जीतेगी। जी, चुनाव में जीतेगी, लेकिन आपने बीच में एक क्रम भी तैयार किया था, मुझे याद है यूपी को लेकर, कि कौन सी पार्टी कितने नंबर पर रहेगी, तो मैं एक बार आपसे वो क्रम फिर से अपनी जानकारी के लिए जानना चाहूँगा कि आपकी समझ में, चूंकि आपकी तैयारी
मुझे ऐसा लगता है कि मजबूती से आप लोग कमर कसकर उतरे हुए हैं और ये तैयारी आज से नहीं, आप लोगों की पिछले साल भर पहले से शुरू हो जाती है। जिन भी राज्यों में प्रदेशों में चुनाव हैं वहाँ की तैयारी साल भर पहले आप लोग कर देते हैं, तो मैं वो क्रम जानना चाहूँगा जो आप समझते हैं कि इस तरह से यूपी में पार्टी नंबर वन, पार्टी नंबर टू, पार्टी नंबर थ्री। नहीं, वो आपका उस समय जो क्वेश्चन था ना वो मुझे याद आ रहा है, आपने कांग्रेस को लेकर के पूछा था कि कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, तो मैंने कहा कांग्रेस तो चौथे नंबर की या पांचवें नंबर की पार्टी रहने वाली है और उसके लिए लड़ाई लड़ रही है, चौथे नंबर की हूँ या पांचवें नंबर की हूँ, बाकी तो मैदान में है ही, भारतीय जनता पार्टी शासन में है, सपा भी चुनाव में है, बसपा भी चुनाव में है, कांग्रेस का शासन कहाँ से आ सकता है, वो प्रश्न था। इसलिए मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी तो चौथे नंबर की या पांचवें नंबर की पार्टी रहेगी, इसके लिए चुनाव लड़ रही है कि मैं चौथे नंबर पे जाऊं या पांचवें नंबर पे जाऊं। जी, शासन रिपीट करना बड़ी चुनौती, और जहां तक आप लोगों की जो मजबूती है, जो काडर होता है, संजीव जी के पास भी आऊंगा मैं, जो काडर होता है वो लगातार काम करता रहता है। चौरसिया जी, मैं आपसे ये एक सवाल आऊंगा आपके पास, बूथ टू बूथ, डोर टू डोर, चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस जारी की है इसको लेकर आपकी कितनी तैयारी है?